आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 6054 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 108 मरीजों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 2329, हरिद्वार में 1178, उधम सिंह नगर में 850, नैनीताल में 665, अल्मोड़ा में 140, चमोली में 175, पौड़ी में 174, चंपावत में 153, बागेश्वर 128, टिहरी में 109, उत्तरकाशी में 81, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 22 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 108 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कोविड काल में पहली बार एक दिन में सबसे अधिक मरीजों की मौत हुई है। दून के कैलाश अस्पताल में बाल बाल बची 200 मरीजों की जान, ऑक्सीजन खत्म होने से फूले हाथ पांव। शाम को केवल 17 सिलेंडर बचे थे, जो आधे घंटे के लिए ही पर्याप्त थे। राजधानी में कैलाश अस्पताल में बुधवार को तय समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से 200 से ज़्यादा मरीजों की जान पर बनाई। हालांकि आनंद फानंद में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई। जोगी स्थित कैलाश अस्पताल में बुधवार को बड़ा हादसा बच गया। अस्पताल में 200 से ज़्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इनमें से करीब 150 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण इन दिनों अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है। बुधवार को सुबह अस्पताल ने प्रबंधन का स्टॉक बेहद कम होने की जानकारी अधिकारियों को दी, पर दिन भर इंतजाम के बाद भी ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। शाम को हालत यह हो गई कि केवल 17 सिलेंडर बचे, जो आधे घंटे के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। इससे अस्पताल प्रबंधन और मरीजों व उनके तीमारदारों की चिंता बढ़ गई। कुछ देर में यह मामला सोशल मीडिया तक पहुँच गया। मामले की जानकारी सीएम तीरथ सिंह रावत को मिली तो उन्होंने अफसरों को तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट किया कि समस्या का संज्ञान लेते हुए अफसरों से कहा कि तुरंत ऑक्सीजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने खुद प्लांट से बात की और स्टॉक खत्म होने से पहले 1.5 टन ऑक्सीजन मिल गई। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी शहर में 30,000 से 50,000 कोरोना जांच रोज कराएं। तो हाईकोर्ट ने देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी शहर में हर रोज 30,000 से 50,000 आरटीपीसीआर व रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का आदेश दिया है। साथ ही होम आइसोलेशन टेस्ट बढ़ाने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड सेंटरों में डॉक्टरों की, उत्तराखंड में 2,500 रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक हैं, ऐसे में सरकार इनकी मदद ले। उत्तराखंड में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा, तो हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की दर सभी राज्यों से ज़्यादा है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.514 है, जबकि उत्तराखंड में 1.542% है। देश में 24 घंटे में 3,61,000 नए केस सामने आए। भारत विश्व का चौथा देश जहाँ कोरोना से सर्वाधिक जान गई। तो देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 3,293 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं बुधवार सुबह तक बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं। विधायकों को 1 करोड़ के कार्य कराने की मंजूरी दी। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधायकों को उनकी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की कोविड कार्य कराने की मंजूरी दे दी है। विधायक इस निधि से अपने क्षेत्रों में कोविड रोकथाम संबंधी व्यवस्थाओं पर 1 करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगे। आज में बारिश व बर्फबारी होने के आसार, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक आज बृहस्पतिवार को बारिश और बर्फबारी होने के आसार के अनुसार आज दोपहर तक राज्य के पर्वतीय इलाकों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी हो सकती है। रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जैसे जिलों में बहुत हल्की तो कहीं मध्यम बारिश के आसार हैं। बंगाल में अंतिम दौर का मतदान आज। तो पश्चिम बंगाल में अंतिम और आठवें चरण की 35 सीटों पर बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 283 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के हवाले होगी। असम में भूकंप के झटके, तो असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बुधवार को एक के बाद एक भूकंप के साथ झटके महसूस किए गए। इससे इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, हालाँकि कोई हताहत नहीं हुआ। कोविन पोर्टल पर 3 घंटे में 80,00,000 पंजीकरण। तो 18 वर्ष से अधिक वालों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कोविन पोर्टल पर बुधवार को 18 पार वालों को टीके के लिए पहले दिन शुरुआती दिन में 3 घंटे में 80,00,000 लोगों ने पंजीयन कराया। हालांकि शुरुआत में करीब आधे घंटे सर्वर फेल रहा।
पहली मई से युवाओं के टीकाकरण पर ग्रहण। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पहली मई से युवाओं के टीकाकरण पर ग्रहण की आशंका है। टीकों की आपूर्ति में देरी के चलते कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने टीकाकरण टाल दिया है। ऐसा लगता है सरकार चाह रही है लोग मरते रहें। तो कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की कमी और इसके इस्तेमाल के प्रोटोकॉल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र द्वारा जारी प्रोटोकॉल पर बुधवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहें। गोवा में आज से लगेगा लॉकडाउन। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गोवा में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। यह पाबंदी गुरुवार शाम 7 बजे से 3 मई तक लागू रहेगी। डीआरडीओ 500 संयंत्र लगाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि फंड मिलने के बाद 3 महीने के अंदर डीआरडीओ 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। वहीं देहरादून से खबर आई है सभी नए वेरिएंट पर टीका कारगर। तो एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने दावा किया कि कोविड वैक्सीन कोरोना के सभी नए वेरिएंट पर कारगर है। डोईवाला मसूरी में भी कोविड कर्फ्यू। तो देहरादून और ऋषिकेश के शहरी इलाकों के बाद अब जिले में डोईवाला, हरबतपुर विकास नगर और मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में भी कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तराखंड में सरकारी दफ्तर आज से खुलेंगे। तो उत्तराखंड में गुरुवार से सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन समूह ग व घ के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। इससे पूर्व राज्य सरकार ने सभी सरकारी ऑफिस 1 मई तक बंद करने का निर्णय लिया था और 4 घंटे बाद ही उसे पलट दिया। सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा रात 8:30 बजे जारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तर गुरुवार से खोल दिए जाएंगे। पांडे ने बताया कि समूह क और ख वर्ग के अफसर 100% आएंगे, जबकि ग व घ के कर्मचारी 50% ही आएंगे। उत्तराखंड ने वैक्सीन की 1,10,00,000 डोज मंगाई। तो राज्य में 50 लाख से ज़्यादा आबादी के टीकाकरण के लिए सरकार ने वैक्सीन कंपनी को 1.10 करोड़ डोज के ऑर्डर दे दिए हैं। कोरोना के सभी नए वेरिएंट पर कोविड टीका कारगर। वहीं मच्छर से नहीं फैलता कोरोना। तो कोरोना को लेकर के तमाम भ्रांतियों की को दूर करते हुए एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि मच्छर के काटे से कोरोना नहीं फैलता। रेमडेसिविर नहीं है जीवन रक्षक दवा। तो रेमडेसिविर की अत्यधिक मांग पर प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि यह जीवन रक्षक दवा नहीं है, कुछ और नई दवाइयों पर परीक्षण चल रहा है, इसके नतीजे भी अच्छे हैं। ऐसे में रेमडेसिविर को हमें अंतिम विकल्प नहीं मान लेना चाहिए। डॉक्टर बिना बताए नहीं करा सकेंगे कोरोना टेस्ट। तो दून अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी सीधे कोरोना जांच नहीं करा सकेंगे। इसके लिए अस्पताल में एक कमेटी प्राचार्य के निर्देश पर बनाई गई है। वहीं जिसे कोई लक्षण नहीं है उसे टेस्ट की अनुमति नहीं होगी। मसूरी, विकास नगर, डोईवाला और हरबतपुर में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। निरंजनपुर मंडी में बिना मास्क वालों के चालान किए गए। कोरोना कर्फ्यू, 6 दुकानदार गिरफ्तार, 1,936 के चालान। तो दून पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर के बुधवार को सख्त रुख अख्तियार किया। पुलिस ने निर्देशों का उल्लंघन करने पर शराब की कैंटीन के संचालक समेत 6 दुकानों पर मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार किया। वहीं 1,936 लोगों के चालान कर जुर्माना वसूला। लॉकडाउन में गांव लौटे प्रवासी कर्ज के बोझ तले दबे। तो लॉकडाउन में गांव लौटे प्रवासी कर्ज के बोझ तले डूब गए हैं। प्रवासियों ने नाते रिश्तेदार से आजीविका चलाने के लिए कर्ज लिया है, लेकिन उसे लौटा नहीं पा रहे हैं। कोरोनेशन में कोविड अस्पताल शुरू होते ही सारे बेड फुल हो गए। तो कोरोनेशन अस्पताल की नई बिल्डिंग में 34 बेड का कोविड 19 अस्पताल शुरू कर दिया गया है। हालांकि अस्पताल में शुरू होते ही सभी 34 के 34 बेड एक दिन में फुल हो गए। उद्योगों के सामने भी ऑक्सीजन संकट। तो उत्तराखंड में ऑक्सीजन के संकट से सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि उद्योग भी जूझ रहे हैं। सभी उद्योगों के पास कुछ समय का बैक जरूर है, लेकिन ज़्यादा दिन तक स्थिति सामान्य न होने पर शटडाउन की नौबत पैदा हो सकती है।
तेजस्वी टीम की प्रिया गुलाटी ने रेस कोर्स में खाना पहुंचाया। मसूरी में एम्बुलेंस का संचालन शुरू। तो बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के रास्ते में कोरोना महामारी को देखते हुए आम जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस का संचालन शुरू किया गया है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने बढ़ाई ऑक्सीजन की क्षमता। तो कोविड 19 के बढ़ते मामले के बीच श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल अस्पताल ने ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने का काम तेज कर दिया है। वही देहरादून से खबर आई, अपनों ने बना ली दूरी, मुस्लिम भाई आए कंधा देने। तो अर्थी को शमशान घाट ले जाने के लिए कम पड़ गए थे लोग, कंधा देने के लिए काजिम अली और उनके साथी आगे आए। बिजली बिल में बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारी। तो व्यापारियों ने सीएम से फोन पर वार्ता कर बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की। सीएम से हुई वार्ता में व्यापारियों ने बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी तत्काल फैसले को वापस लेने की मांग की है। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी दमयंती रावत का निधन हो गया, वे 88 वर्ष की थी। बद्रीनाथ में अभिषेक को आज पिरोया जाएगा तेल। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के पूर्व भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए गुरुवार को नरेंद्र नगर राजमहल में सुहागिन महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर तिलों का तेल पिरोएंगी। दून और हल्द्वानी में खत्म नहीं हो रही आईसीयू की मारामारी। तो राजधानी देहरादून और नैनीताल जिले में अस्पतालों में बेहताशा, कोरोना संक्रमण की वजह से एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। वहीं रुड़की से खबर आई है, विधायक देशराज कर्णवाल पॉजिटिव, मची हलचल। तो झपरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और उनके पुत्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्होंने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है। सरकारी दफ्तर खोलने के निर्णय पर पुनर्विचार हो। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड के प्रदेश सरकार के सरकारी कार्यालयों को खोलने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और कोरोना चैन को तोड़ने के लिए अभी कार्यालय न खोले जाएं। गढ़वाल विश्वविद्यालय 1 मई तक बंद। कोविड संक्रमण बढ़ते देख गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 मई तक गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं देहरादून उप कार्यालय को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने रोडवेज को जारी किए 17 करोड़ रुपए, आयुक्त कार्यालय में अटके। तो बेहद मुश्किल कोविड काल में परिवहन निगम को सरकार ने 17 करोड़ 34 लाख रुपए तो जारी कर दिए, लेकिन यह फाइल अटकने की वजह से पैसा निगम को नहीं मिल पा रहा है। चार धाम यात्रा पर फैसले के लिए बैठक आज। कोविड महामारी के बीच आगामी चार धाम यात्रा पर फैसले के लिए आज बृहस्पतिवार को बैठक होगी, जिसमें यात्रा संचालित करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आकस्मिक मृत्यु होने पर अब ताबूत में लाए जाएंगे पुलिस कर्मियों के शव। तो पुलिस महानिरीक्षक पुष्पक ज्योति ने आदेश जारी किया है कि अगर भविष्य में किसी उत्तराखंड पुलिस के कार्मिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके पार्थिव शरीर को परिजनों तक ले जाने के लिए राजकीय वाहन और ताबूत का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान न होने से आक्रोश। तो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने वेबिनार में समस्याओं के समाधान के लिए संगठनात्मक इम्यूनिटी बढ़ाने पर बल दिया। वेबिनार में कर्मचारी शिक्षकों की सामान्य समस्याओं का समाधान न होने पर निराशा जताई गई। चमोली व उत्तरकाशी को दी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नेशनल हाईवे एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दी गई 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। पूर्णागिरी मेले का कल हो जाएगा समापन। तो उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी मेला शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। ग्राम प्रधान व वीडियो रखेंगे प्रवासियों पर नजर। तो प्रदेश में ग्राम प्रधानों के माध्यम से प्रवासियों पर नजर रखी जाएगी, जो उनकी निगरानी के साथ ही उन्हें होम आइसोलेशन के लिए प्रेरित करेंगे। मकर संक्रांति से चैत्र पूर्णिमा तक कुल 91.5 लाख ने किया हरिद्वार में स्नान। तो कोरोना जांच कराकर अर्धसैनिक बलों और पुलिस फोर्स की वापसी की गई है। वहीं जोशीमठ से खबर आई है, बर्फ के बीच एक और मजदूर का शव मिला। तो सुमना की आपदा में छठवें दिन भी सेना और आईटीबीपी के जवान का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बुधवार को बर्फ के बीच एक और मजदूर का शव मिला है।
शरारती तत्वों ने लगाई आग, जंगल तक पहुंची तो श्रीनगर के समीप बुघाणी मोटर मार्ग पर शरारती तत्वों ने आग लगा दी। ऑक्सीजन सप्लायरों के सही नंबर उपलब्ध कराएं, तो हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से जारी ऑक्सीजन सप्लायरों के गलत नंबर अंकित करने और उत्तराखंड पोर्टल में अस्पतालों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर डीएम देहरादून को निर्देशित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। कोविड अस्पताल की बिजली गुल होने से मरीज हुए परेशान, तो देहरादून से खबर आई है। साइबर ठगों ने 4 लोगों से हड़पे 3 लाख रुपए, तो साइबर ठगों ने 4 लोगों की गाढ़ी कमाई में सेंध लगा दी। कुल 4 लोगों के 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा ठगी का मामला सामने आया है। वाजिब कारण ना हो तो घर से ना निकले, जिलाधिकारी और एसएसपी ने दिए अधीनस्थों को कर्फ्यू नियमों की सख्ती से लागू कराने के निर्देश। पटेल नगर क्षेत्र में फंदे पर लटका मिला युवक, तो पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक युवक फांसी के फंदे पर लटका मिला। वहीं मसूरी से खबर आई है, 6 दुकानदारों सहित 35 लोगों का चालान किया गया। देहरादून से खबर आई है, एसबीआई जोहड़ी शाखा का पूरा स्टाफ संदिग्ध मिला है, तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्टेट ऑफ इंडिया की जोहड़ी गांव शाखा के सभी कर्मचारी संदिग्ध मिले हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना में 2500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12वीं पास होना चाहिए और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों की आवश्यकता, तो 15 पदों पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं देहरादून से खबर है, जरूरतमंदों को भोजन पहुंचा रहे युवा, तो भोजन बांटो अभियान चला रहे हैं प्रेमनगर के युवा, लोगों की सहायता से इकट्ठा कर रहे हैं राशन। तो कोरोना की दूसरी लहर में जरूरतमंदों को भोजन व राशन पहुंचाने के लिए प्रेमनगर के युवाओं ने ग्रुप बनाकर अभियान शुरू किया है। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा बाहरी लोग जिले में आए, तो पाबंदियां लगने के बाद से अब तक जिले में 1.5 लाख से अधिक लोग बाहरी राज्यों से आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग से विभिन्न बैरियरों के होते हुए 85,000 से ज़्यादा लोगों ने आवागमन किया। डुगड्डा से खबर आई है, गांजे के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं टिहरी के थत्तीवर से खबर आई है, शादी में गए युवक की लाश मिली, तो जौनपुर ब्लॉक के भाल गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के सिर पर पीछे से चोट के गहरे निशान हैं। श्रीनगर में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत, कोरोना संक्रमण का बढ़ता जा रहा है प्रकोप, संक्रमितों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। वहीं श्रीनगर के खिरसू से खबर है, खिरसू में संक्रमण के 74 मामले सामने आए हैं। वहीं चंबोली में 126 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसमें गैरसैंण में 36, गोपेश्वर में 33, कर्णप्रयाग में 16, थराली में 12, जोशीमठ में 9, पोखरी में 8, चंबोली में 5, घाट में 3, नारायणबगड़ में 2 और गोचर और देवाल में 1-1 संक्रमित मिला। व्हाट्सएप पर मिलेगी शादी की अनुमति, तो संक्रमण के मामले को देखते हुए कर्णप्रयाग तहसील ने व्यवस्था लागू की है। वहीं थराली में 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। पेयजल योजना ठप, 300 परिवार पानी के लिए परेशान हैं, तो कोटद्वार से खबर आई है। दूसरा टीका 6 से 8 हफ्ते के बीच लगाएं, मिलेंगे बेहतर परिणाम, तो गाइडलाइन में वैक्सीन के लिए 42 दिन के बाद दूसरा टीका लगाने की जानकारी की सलाह दी गई है। एसएसजे में योग से कोरोना को मात देने की तैयारी शुरू, तो कोरोना से लड़ने के लिए आम जन की इम्यूनिटी मजबूत बनाने को लेकर शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनएम भंडारी ने योग विज्ञान विभाग के 300 से अधिक योग प्रशिक्षक पर दिन विश्व भर के लोगों को ऑनलाइन योग का प्रशिक्षण देंगे।
बागेश्वर अस्पताल में गाइडलाइन का पालन नहीं, तो जिला अस्पताल में कोविड मरीजों और सामान्य मरीजों को एक ही मशीन से एक्सरे कर रहे हैं। वही खबर है, कांडा से मनमाना किराया वसूलने वाले 12 टैक्सी चालक नपे, तो एआरटीओ ने अधिक किराया वसूल रहे एक टैक्सी को सीज कर दिया। वहीं 50% के बजाय फुल सवारी और दुगना किराया ले रहे थे सभी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो ना उम्मीदों के इस दौर में कोरोना वीरों से मिल रहा संक्रमितों को हौसला, तो मरीजों के लिए वरदान बनी है मित्र पुलिस की प्लाज्मा दान मुहिम। हरिद्वार में पहले दिन फेल हुआ कोविड कर्फ्यू, तो सड़कों पर दिन भर दौड़ते रहे निजी वाहन। नींबू और संतरे की बढ़ी मांग, दाम 100 के पार, तो एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है, वहीं शहर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपयोग हो रहे नींबू संतरा और मौसमी की कालाबाजारी में भी तेजी बढ़ गई है। हाथ बांधे बैठी है विभाग की फौज, संक्रमितों की हर रोज हो रही मौत, तो जिले में अस्पतालों में भर्ती होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या बेहताशा बढ़ रही है। सावधान, कोरोना की दवा के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता, तो कोरोना काल में दवा मार्केट का अजीब हाल है। जिस दवा की मांग बढ़ती है वह बाजार में नदारद होती जा रही है, खासकर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का भारी संकट है। फिर नया रिकॉर्ड, 1253 संक्रमित, 10 की मौत हो गई, तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं हरिद्वार से खबर आई, संदिग्ध हालत में किशोरी की मौत हो गई, तो संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खाने से किशोरी की मौत हो गई। वहीं हरिद्वार से खबर आई, करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो 500 बेड का एक और कोविड अस्पताल बनेगा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है, हल्द्वानी से गर्भवती समेत 14 की मौत, 665 केस सामने आए। शराब की दुकानें बंद करने की मांग, तो कोरोना संक्रमण, शराब कारोबारियों ने मंत्री वंशीधर से दुकान चलाने में जताई असमर्थता। सुबह खुली दुकानें, भीड़ कम रही, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं गर्म पानी से खबर है, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोग घायल हो गए, तो राती घाट बेताल घाट मोटर मार्ग पर बुधवार शाम खिरना से मझेड़ा की ओर जा रही वैगनार कार DL8CH9013 सूरी फॉर्म के पास अनियंत्रित होकर के 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। वेतन न मिलने से भड़के रोडवेज कर्मी, बोले जल्द कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मंडी 3 दिन बंद करने का ऐलान, तो हल्द्वानी से खबर रही है। जून में गूंजेगी शहनाई, जिला प्रशासन से 7 दिन में 900 लोगों ने मांगी विवाह समारोह की अनुमति। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं में कहीं आग नहीं बुझ रही तो कहीं प्यास, पाटी पिथौरागढ़ और बागेश्वर में धधके जंगल। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, तो बाइक बेचने के नाम पर टनकपुर के युवक से ठगे थे 40,000 रुपये। वही मुंशियारी से खबर आई, दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रानीखेत में फिर बेपटरी हुआ पर्यटन व्यवसाय। टनकपुर से खबर है, दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पन करें नहीं तो कार्रवाई होगी, तो ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने का प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू में ढील के दौरान खुल रही फल सब्जी और दैनिक जरूरत की सामानों की दुकानों में रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर आक्रोश, तो रुद्रपुर से खबर आई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए छापे, तो काशीपुर की सभी 9 एजेंसियों से सप्लाई का ब्यौरा जुटाया गया। वही खबर आई है रुद्रपुर से, जिला अस्पताल में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच बंद हो गई है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने बजट के अभाव में बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन के लिए युवाओं ने पंजीकरण कराया, तो उधम सिंह नगर में 18 से 45 उम्र के लोगों ने 9 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया। प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया, तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई, 4 लोगों 4 लाख रुपए की ठगी हुई है।
वाहन की चपेट में आकर पेपर मिल कर्मी की मौत हो गई। तो दिन की शिफ्ट में काम कर लौट रहा एक पेपर मिल कर्मी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही खबर है, ये काशीपुर से, किशोर को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजने का आरोप। तो एक किशोर को बालिक दर्शाकर पॉक्सो एक्ट में रिमांड लिए जाने के मामले में आरोपी के पिता ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है।